गाइस, क्या आपको पता है हॉट एयर बैलून जो होता है वो हवा के अंदर फ्लाई नहीं करता है, बल्कि हवा के अंदर स्विम करता है या फ्लोट करता है, यानी कि हवा के अंदर तैरता है। सो गाइस, अगर नहीं पता तो आज वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो हॉट एयर बैलून होता है वो हवा के अंदर स्विम कैसे करता है या फ्लोट कैसे करता है। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया, दिस इज राजकुमार रावत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रिवर्स इंजीनियरिंग में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो हॉट एयर बैलून जो होता है वो हवा के अंदर स्विम कैसे करता है या फ्लोट कैसे करता है, यानी कि जो हॉट एयर बैलून होता है वो हवा के अंदर तैरता कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि कभी भी लो डेंसिटी वाला जो फ्लूड होता है वो हाई डेंसिटी वाले फ्लूड के अंदर डिप नहीं हो सकता या उसके अंदर सबमर्ज नहीं हो सकता, यानी कि हमेशा लो डेंसिटी वाला फ्लूड जो होता है वो हाई डेंसिटी वाले जो फ्लूड होता है उसके ऊपर फ्लोट करता है। जैसे कि जो ऑयल होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, या मरकरी या जो वाटर होता है वो मरकरी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, यानी कि पानी जो होता है मरकरी के अंदर कभी भी नहीं डिप होता है, या जो लोहे जो लोहा होता है या आयरन जो होता है वो भी मरकरी के ऊपर फ्लोट करता है, क्योंकि आयरन की जो डेंसिटी होती है वो मरकरी की डेंसिटी से कम होती है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि जो हॉट एयर बैलून जो होता है वो हवा के अंदर कैसे तैरता है या हवा के अंदर कैसे स्विम करता है। सो गाइस, ये यहाँ पे देखिए, ये हॉट एयर बैलून है। इस हॉट एयर बैलून से क्या होता है, एक बर्नर कनेक्ट रहता है। इस बर्नर की जो फ्लेम होता है उसको जो भी पायलट जो होता है उस हॉट एयर बैलून के अंदर वो कंट्रोल कर रहा होता है। सो गाइस, जैसे ही पायलट बर्नर को ऑन करता है तो यहाँ पे क्या होता है, बर्नर की हीट की वजह से ये जो बर्नर की हीट की वजह से क्या होता है, इस हॉट जो एयर बैलून जो होता है, इस हॉट एयर बैलून के अंदर की जो हवा होती है वो क्या होती है, गर्म होती है। सो गाइस, अब क्या होता है, ये हवा जैसे ही गर्म होती है ना, तो क्या होता है कि हवा जैसे ही गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, यानी कि डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। सो गाइस, हॉट एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है और इसके बाहर वाली जो हवा होती है, सपोज करिए गाइस, ये जो हमारा जो बैलून है वो एटमॉस्फेयर की जो हवा है, यानी कि हवा क्या हुआ, एक तरह से फ्लूड हुआ, तो इस हवा के अंदर डूबा हुआ है, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो हवा है उसके अंदर डिप हो रखा है। अब गाइस क्या होगा, इस हॉट एयर बैलून में क्या हो, इतना सा वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, कवर कर रखा है। सो गाइस, जैसे मैं फ्लेम को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर का जो वॉल्यूम या जो भी जो हवा होगी, इस वॉल्यूम के अंदर की जो हवा होगी या इस बैलून के अंदर की जो हवा होगी वो गर्म होगी। वो हवा जैसे ही गर्म होगी तो उसकी डेंसिटी कम होगी। अब जैसे ही डेंसिटी कम होगी और बाहर वाली हवा जो होगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इस डेंसिटी डिफरेंस की वजह से लो डेंसिटी वाली जो हवा होगी, यानी कि इस बैलून के अंदर वाली जो हवा, वो ऊपर की ओर क्या करेगी, मूव करेगी। यानी कि जितना ज़्यादा हम इस फ्लेम से इस बैलून के अंदर की हवा जो होगी, एयर को जितना ज़्यादा गर्म करेंगे, उसकी डेंसिटी उतना ही ज़्यादा कम होगी और उतना ही ज़्यादा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर बुएंट फोर्स लगेगा, जो इस हॉट एयर बैलून को क्या करेगा, ऊपर लिफ्ट करेगा। सो गाइस, क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो हॉट एयर बैलून होते हैं वो हवा में एक जगह कैसे रहते हैं। सो गाइस, क्या होता है, जो पायलट होता है वो हवा की जो डेंसिटी होता है उसको इस तरह से कंट्रोल करता है कि जैसे ही इस पूरे एंटायर सिस्टम, यानी कि ये जो पूरा हॉट एयर बैलून का जो पूरा सिस्टम, इसका वेट और इन डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो बुएंट फोर्स जनरेट हो रहा है वो जब इक्वल हो जाएगा, तब क्या होगा, ये जो हॉट एयर बैलून जो होगा वो हवा के अंदर एक ही जगह पे मूव करता रहेगा, यानी कि ये हवा के एक ही लेवल के ऊपर तैरने लगेगा, यानी नहीं तो ऊपर जाएगा और नहीं नीचे आएगा। सो गाइस, इस तरह से बुएंट फोर्स और उसका जो वेट होगा पूरे एंटायर सिस्टम का जब इक्वल हो जाएगा, तो वो जो बैलून होगा, हॉट एयर बैलून, वो हवा में एक लेवल के ऊपर मूव करेगा। सो गाइस, इस तरह से पायलट जो होता है वो हवा जो होती है उसको हीट करता है और ठंडा करता है। इस तरह से गाइस, इसके ऊपर एक फ्लेम
फ्लैप भी बने होते हैं, जिसको क्या होता है जो पायलट होता है वो कंट्रोल करता है। जब इस पायलट को या बैलून को जब नीचे लाना होता है तो पायलट इन फ्लैप को खोल देता है और अंदर की जो सारी हॉट एयर होती है वो बाहर से ली जाती है, और इस तरह से जो ये बैलून जो होता है वो हवा में नहीं रहता है और नीचे आने लगता है। सो गाइस इस तरह से धीरे धीरे फ्लेप से हॉट एयर जो होती है वो बाहर निकलती रहती है और बैलून नीचे है। सो गाइस यही रीजन है कि इस बैलून जो होता है उसको हॉट एयर बैलून कहा जाता है। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल रिवर्स इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। थैंक यू।